सलाम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अश्विन अफराद और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। रूमी के इस सफ़र में हमारा अब तक साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। आइए रूमी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो अब रूमी और शम्स एक साथ वक्त बिता रहे हैं। जैसे हमने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि इन मुलाकातों में क्या होता था, इसके पुख्ता सबूत तो आज मौजूद नहीं है, बस कहीं सुनी बातें हैं। इन्हीं तमाम बातों को इकट्ठा करके रूमी के ज़िंदगी के इस दौर के बारे में आपको बताने की हम एक कमसीन कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि शम्स एक फ़कीर थे, आरिफ थे, सूफ़ी थे। इन लोगों का मकाम हमेशा अक्ल के मुकाबिल होता है। रूमी जो भी चीज़ें किया करते, यानी दर्स देना, मज़हब के, धर्म के बारे में लोगों को नसीहत करना, ये सब चीज़ें शम्स तबरीज़ के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। शम्स जैसे सूफियों का मकाम होता है इश्क का, मोहब्बत का। तो चीज़ों को किताबों के ज़रिए जानने से ज़्यादा ये लोग उन चीज़ों में समा जाते हैं, उन्हीं में खो जाते हैं, जैसे खुद ही एक किताब बन जाते हैं। तो हाज़रीन, ऐसे कई किस्से हैं जिनमें रूमी की अक्ल और शम्स का इश्क एक दूसरे से मुकाबला सजाते हैं। कई बार रूहानी और किताबे इल्म की टक्कर होती है, लेकिन ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब बात रूमी और शम्स की होती है तब यह मुकाबला भी एक शायराना शक्ल ले लेता है। तो हुआ यूं कि एक रोज़ रूमी हमेशा की तरह अपने खानकाह में, अपने मदरसे में दर्स दे रहे थे, सिखा रहे थे। सब शागिर्द रूमी की बातें सुन रहे थे, उनसे सवालात कर रहे थे। ऐसे में शम्स तबरीज़ वहाँ आए और उन शागिर्दों के दरमियाँ बैठ गए। देखा जाए तो शम्स की कुव्वत और शम्स की पहुँच रूमी के तमाम शागिर्दों से ऊपर थी, लेकिन वो उन्हीं में से एक होकर वहाँ पर बैठ गए। रूमी के शागिर्द भी संभल कर बैठ गए, मगर रूमी सिखाने में मशगूल थे। सबको यही फिक्र थी कि पता नहीं कब यह नादान फ़कीर फिर से कोई ऐसी बात बोल देगा जो उस ज़माने में मुनासिब नहीं समझी जाती थी। लेकिन रूमी को अब इस सब की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने शम्स को देखा, उनका ज़ेर तबस्सुम इस्तकबाल किया और फिर से अपनी किताब में देखकर सिखाने में मसरूफ़ हो गए। कुछ वक्त बाद शम्स अपनी जगह से उठ गए और रूमी के सामने आकर खड़े हो गए। सब सहम गए। वहाँ पर मौजूद सभी शागिर्द इन दोनों को देखने लगे। शम्स ने रूमी के सामने जो किताब थी वो उठाई और उसे एक ओर फेंक दिया और कहा, अब कहो जो तुम कहना चाहते हो, अब सिखाओ जो तुम सिखा रहे थे। असली इल्म, असली ज्ञान वही है जो किसी भी किताब के बगैर तुम्हारे अंदर हो। इतना कहकर हंसते हुए शम्स उस खानकाह से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रूमी भी चले गए। अब ऐसा कई बार होने लगा। कुनिया वालों को, रूमी के मुरीदों को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी। कई मुरीद तो रूमी के इस बर्ताव से नाराज भी थे, लेकिन वो अपने पीर को क्या कह सकते थे। ऐसे ही एक और दिन जब मौलाना रूमी कुनिया वालों को एक पेड़ के नीचे दर्स दे रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, तब उस हुजूम में सबसे पीछे अपने सज्जादे के साथ शम्स ज़मीन पर बैठ गए। उन्हें देखकर रूमी भी कुछ पल के लिए रुक गए और फिर उन्होंने लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। बड़े वक्त तक सबकी बातें, सबके सवाल जवाब होने के बाद फिर से एक बार शम्स तबरीज उठ गए और रूमी से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इतना कहकर रूमी के नज़दीक आ गए और रूमी से कहा, तुमने ये जो इतना सब कुछ कहा है, क्या तुम ये सब बगैर किसी अल्फाज के कह सकते हो? असली इल्म, यानी असली ज्ञान तो वो है जो अल्फाज में समाता नहीं है। और फिर से चले गए। इस वक्त रूमी भी उनके पीछे चले गए।
ये देखकर रूमी के शागिर्द जो थे वो रूमी के पीछे पीछे चल पड़े। कुनिया के शहर में रूमी एक बड़ी शख्सियत थे, तो उस शहर में रूमी घोड़े पर सवार होकर घुमा करते। जब रूमी शम्स के पीछे पीछे चले गए तो उनके पीछे कई मुरीद रूमी का सामान, उनकी किताबें, उनका घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल दिए। कुनिया के रास्तों पर ये सभी लोग चलने लगे। मौलाना रूमी को चारों तरफ से लोग सलाम कर रहे थे, पीछे से उनके मुरीद उन्हें पुकार रहे थे, मगर रूमी बस शम्स के पीछे जा रहे थे। शम्स भी कुछ वक्त में रुक जाते तो रूमी भी रुक जाते। शम्स पीछे मुड़कर रूमी को देखते और फिर आगे चलने लगते, और फिर से रूमी उनके पीछे चलने लगते। पूरा कुनिया शहर रास्ते पर आ गया। सब लोग अपने घरों से निकलकर यह नज़ारा देख रहे थे। शम्स चलते चलते रूमी के ही घर में चले गए। कहा जाता है कि रूमी के घर में एक बड़ा किताब खाना था, एक लाइब्रेरी थी, तो शम्स वहाँ चले गए। रूमी भी उनके पीछे चले गए और दरून जाते ही रूमी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रूमी के पीछे चलने वाले सारे लोग थककर वहीं बाहर बैठ गए। उन्हें लगा रूमी कुछ वक्त बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही सब मुंतजर होकर वहीं पर बैठ गए। कोई अपने घर चला गया, किसी ने रूमी और शम्स दोनों को पागल बताकर रूमी का खानकाह ही तर्क कर दिया, उसे छोड़ दिया। रोज आकर कोई ना कोई रूमी का इंतजार करता। आखिरकार एक हफ्ते बाद रूमी अपने घर से बाहर निकले। ये और ऐसे अनगिनत किस्से हैं इन दोनों के, जो अब कुछ यूं इशारा कर रहे थे कि रूमी कुछ बदल से गए हैं। शम्स तबरीज ने जैसे रूमी को अपने वश में कर लिया है, मानो शम्स रूमी की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर चुके हैं। कुनिया के लोग और रूमी के मुरीद रूमी से पूछा करते कि आप ऐसा क्या देखते हैं उस मलंग फकीर में जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। इस पर रूमी बस हंस लेते। कहते हैं कि एक बार रूमी ने जवाब दे दिया था कि जब मैंने पहली बार शम्स को देखा तो मेरे दिल में एक बेकरारी सी जग गई, जिस चीज़ को मैं जानता तक नहीं था उस चीज़ से मुझे फुरकत, हिजर, जुदाई, यानी एक किस्म की दूरी महसूस होने लगी। मुझे यूं लगने लगा कि मैं इस जहां में खोया हुआ हूं और बस यही एक शख्स है जो मेरा रहनुमा बनने के काबिल है। जवाबन रूमी से यह भी पूछा गया कि आपको तो अपना रास्ता मिल गया है, लेकिन हमें रास्ता दिखाने वाले मौलाना रूमी कहाँ है? लेकिन इन सवालात का कोई असर नहीं होने वाला था, नहीं कोई जवाब मिलने वाला था। शम्स ने रूमी को इस कदर खींच लिया जैसे शम्मा परवानों को खींचती है, और शम्स की बदौलत रूमी ऐसे महकने लगे जैसे फूल से खुशबू आती है। हर दिन अब रूहानी इल्म, फलसफा और रूहानी बातों में ज़ाया हो जाता। हर रात अब रक्स व समा में डूबने लगी थी। उस ज़माने में कुनिया में शम्स जैसे मलंग फ़कीर बाकी लोगों से अलग होकर रहा करते थे। बाकी तमाम आवाम इन लोगों को दीवाना समझती, पागल समझती। तो एक रात रूमी के पीछे चुपके से जब उनके मुरीद आए और उन्होंने उस रक्स गाह में, यानी जहाँ पर सूफी लोग रक्स फरमाते हैं, वहाँ पर चुपके से झांक कर देखा तो उन्हें जैसे वहाँ सितारों का रक्स दिखाई दिया। जैसे धरती सूरज के और चांद धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वैसे कई सूफी अपने सफ़ेद कपड़ों में खुद के इर्द गिर्द और एक दूसरे के इर्द गिर्द बस घूम रहे थे। इस कदर वहाँ सब एक हो चुका था कि उनमें से रूमी कौन है, शम्स तबरीज कौन है और बाकी सब कौन है, इसका फ़र्क वो मुरीद नहीं कर पा रहे थे। ये बात उन मुरीदों ने बाहर आकर सबको बता दी, लेकिन किसी ने उनका यकीन नहीं किया। सबको मौलाना रूमी पर इतना भरोसा था कि रूमी ऐसे मलंग फकीरों के साथ ऐसा रक्स नहीं फरमा सकते, इस पर लोगों की एक राय थी। और यहाँ रूमी की दुनिया में सब कुछ जेर व जबर हो चुका था। पहले जो मौलाना रूमी हर बात को सोच समझ कर किया करते, किताबों में, हदीस में तहकीकात करके अपना हर कदम रखा करते, वही मौलाना रूमी अब दीवानों की तरह नाचने लगे थे। इबादत में, मुराकबे में, रक्स व समा में गर्क होने लगे। सब कुछ छोड़ के उस मलंग के पीछे मुतरिब यानी गाने वाले मौसिकार लोगों के साथ, तंबूर चंग छेड़ने वाले लोगों के साथ रहने लगे। और ये सब हो रहा था
बस एक शख्स की वजह से है जिसका नाम था शम्स। दरअसल हाजरीन, ये किसी भी एक वजह से नहीं होता है। इश्क वजद ऐसी चीज़ें हैं जो आप में ही मौजूद होती हैं। कोई आकर बस उसको आपके ज़रिए रवाना कर देता है, उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। रूमी की बात करें तो शम्स बस एक रास्ता थे जिनके ज़रिए रूमी से ये तमाम चीज़ें बाहर आ रही थी। रूमी में एक तब्दीली हो रही थी और उस तब्दीली के ज़रिए अब जाकर वो साहब पानी बरसाने लगा। अब उस अब्र से, उस बादल से बारिश होने लगी। अब उस पहाड़ से झरने बहने लगे। अब उस आसमान में सितारे पैदा होने लगे। किताबों से, अल्फाज से बाहर आकर रूमी जिसके ज़रिए वो अल्फाज लिखे जाते हैं उस स्याही में डूब गए। जो जाहिर में मशगूल थे अब धीरे धीरे बातिन की जानिब आने लगे। बगैर शराब ऐसी खुमारी चढ़ गई जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी अक्ल के सौदे दिमाग से लगा कर बैठे थे रूमी, अब वो सब छूट गए। अब सब कुछ पलट गया, सब कुछ उल्टा होने लगा। ऐसे ही किसी मौसिकार की धुन में, ऐसे ही किसी चंग के तरानों में, किसी रक्स में, किसी हाल में, ऐसे ही एक पल, अब रूमी को वो रोशनी, वो नूर दिखाई देने लगा। आप सभी के शुक्रगुजार हैं हम। इस पॉडकास्ट के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप रूमी के बारे में कुछ जानते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, हमारे हैंडल का नाम है रूमी है। तो चलिए, आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। बस इतना याद रखिए, रूमी है।